नमस्कार दीपक चौरसिया अयोध्या वाले जी, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ आपको और धन्यवाद देती हूँ। आपने हमको बहुत अच्छे लोगों से जुड़ने का आपने अवसर दिया है, तो आपको जय श्री राम, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे लोग जल्दी से जुड़े तो मैं कुछ अच्छे अच्छे गीत लेकर आई हूँ आप लोगों को सुनाने के लिए। चलिए, लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तब तक मैं एक गंगा जी के गीत से मैं शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि अभी हाल में ही गंगा दशहरा हुआ है और एक व्रत भी था, निर्जला कोई व्रत था, तो लोग गंगा जी पे जाके बहुत पूजा अर्चना किया है, तो उनकी याद में मैं गाती हूँ एक। गंगा किनारे रो रही है और कह रही कि गंगा माई अपनी लहर हमको दे दो तो हम इसी में डूब के मर जाएं। अब देखिए दुख क्या है उसका। तो गंगा जी पूछ रही है कि तोहरे सुख क्या दुख मिला है तुमको मायके में या ससुराल में या तुम्हारे पति है नहीं, तो पूछ रही है गंगा जी। तो वो बता रही है, नारी कह रही है कि नहीं मोहे हे गंगा माई, नहीं मोहे नहीं हार दुख मैया, नहीं ससुर दुख, नहीं ससुर दुख हो नहीं मोरे कंता, विदेशे कुखिया का दुख बारण, कुखिया के दुख भईले हो। तो वो त्रिया कह रही है कि मेरे ससुराल में और मेरे जो है मायके में कोई दुख नहीं है और ना ही मेरे पति जो है परदेश में है, मगर मुझको मेरे जो कोख में जो बच्चा है उसका दुख है। के नहीं मोहे नहीं हार दुख, नहीं ससुर दुख, नहीं ससुर दुख हो गंगा माई, नहीं मोरे कंता विदेश कुखिया दुख साले
दुखी कोखिया दुखे भैले हो। साल रहा है मैं कोखिया, मेरे कोख का जो है दुख वो साल रहा है। अब दुख क्या है बता रही है वो, के साथ तेरे बालक राम जी दिहले साताओ मारे दिहली साताओ मारे दिहले ने हो। ये ललना ठावे गर्व रहे गईली तो एहू का भरोसा नाही, एहू के भरोसा नाही हो। ए गंगा माई अठवे गर्व रह गईली तो एहू का भरोसा नाही, एहू के भरोसा नाही हो। तो गंगा जी कह रही है चुप रहो देवकी चुप रहो, अचरवा नूरवा पोछो, अचरवा नूरवा पोछो हो। देवकी आपकी हुई है श्री कृष्णा ता, कंस के विदन से करी है कंस के मरी है ता, कंस के मरी है हो। ए देवकी अब ही तो हुई है श्री कृष्णा ता, कंस विधन से करे कंस के मरी है ता, कंस के मरी है हो। तो ये गंगा जी का जो है वरदान मिला था उनको, देवकी जाके गंगा जी की पूजा करती है। तो मैं गंगा गीत आपको सुना रही थी। हमारे बहुत सारे लोग सुधा ब्रजेश जी, क्षमा पांडे जी, शोभा यादव जी जुड़ी हुई हैं, भरत सिंह जी जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों को जुड़ने के लिए। आप लोग लोक संगीत से जुड़ते हैं ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं नई नई शालिनी गुप्ता जी को भी मैं नमस्कार करती हूँ। मैं नई नई चीजें इसीलिए मैं लेके आती हूँ जिससे आप लोगों को ये ना लगे कि अरे मंजू नारायण तो वही पुरानी चीजें सुनाएंगे। तो फिर मुझे बहुत काफी इस पे रिसर्च और काफी इसमें मेहनत, काफी समय देना पड़ता है कि मैं नई नई चीजें आपको सुनाऊं, और मैं सुनाती भी हूं। तो आप भी आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, मेरे लिए आसान हो जाएगा, मुझको बीच बीच में गीत याद आते रहेंगे कि आप क्या सुनना चाहते हैं। और बाकी जो मैं अपने से तैयार करके आई हूँ वो तो मैं आपको सुनाऊंगी ही सुनाऊंगी। नीलू शुक्ला जी नमस्कार, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं आप लोग भी अपना लिखिएगा। अमित श्रीवास्तव जी नमस्कार करती हूँ, गंगे मैया की जय। तो एक जो है आप लोगों को माड़ो का गीत सुनाते हैं। कल मैं अपने पेज से लाइव आ रही थी तो एक फरमाइश आई थी कि मैम जो है आप माड़ो बांधना उसका गीत सुनाइए। तो मैं आपको एक माड़ो मड़वा जब लगाया जाता है छाया जाता है और ब्याह से मतलब ये ब्याह गीत है, तो ये सब गीत बहुत पारंपरिक धुने हैं, बिहार में भी गाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश अवध में भी गाई जाती हैं। तो मैं आपको एक माड़ो गीत सुनाती हूँ। फरक है जरा जरा सा, धुने जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अवध का है ये बिहार का है। हाँ बुंदेलखंड की चीजें बहुत बिल्कुल फर्क है, वो जब गाती हूँ तो ज्यादातर लोग पकड़ लेंगे। तो माड़ो गीत है, बेटी और पिता का संवाद है इसमें, बनारस की कोई चीज, बिल्कुल बनारस की चीज आपको मैं सुनाती हूँ। सरला नारायण जी नमस्कार आपको, सुमन दुबे जी। उतराते चैते हो बाबा चढ़े बैसाख, चढ़े बैसाख। उतराते चैतवा
बन कतही बन पैसी कटी हाय बाबा बसवा पचास। बन बेटी कह रही अपने बाबा से कि बांस जो है 50 बांस आप काट के ले आइए जिससे कि मंडप बनाया जाएगा। बने पैसे कटी हाय बाबा बसेवा 50 बसेवा 50 बांस काट के ले आइए। देश पैसी खो जाइए बाबा। अब बेटी आगे अपने पिता से कह रही है कि देश भर में आप खो जाइए, दामाद खोजिए, पढ़ा लिखा दामाद खोजिएगा। देश पैसे खो जाइए बाबा पंडित दामाद पंडित दामाद। देश पैसे खो जाइए बाबा पंडित दामाद। ये मड़वा गीत इसको बोलते हैं। तो बेटी जो है पिता का संवाद है, कह रही है कि 50 बांस आपको वन से लाने पड़ेंगे और आपको जो दूल्हा है दामाद उसको भी खोजिए मगर पढ़ा लिखा खोजिएगा। अब पिता कह रहा है, वो जो कि गांव का है किसान, उसको कुछ पता नहीं, तो वो बेटी से सवाल करता है, कैसे मैं चिन्हूं ए बेटी हरिया कैसे मैं चिन्हूं ए बेटी हरियर बांस और कैसे मैं चिन्हूं बेटी पंडित दामाद और कैसे चिन्हूं ए बाबा बेटी पंडित दामाद। पूरी कहानी होती जी बिल्कुल। तो ऐसे बाबा कह रहा कि हम कैसे पहचानेंगे हरा बांस और कैसे पहचानेंगे कि ये बेटा पढ़ा लिखा, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा खुद भी नहीं हूँ। तो बेटी कहती है लहसत एक शब्द आया है जो कि भोजपुरी में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। लहसत माने होता है जो हरा भरा झूमता रहता है, तो उसको लहसत बोलते हैं। लहसत तो हुई है बाबा हरिया रे बांस, हरे बांस जो है ना वो लहरा रहे होंगे, झूम रहे होंगे। लहसत हुई है बाबा हरिया रे बांस अपंडित हुई बेटी के आप जाइए, जो पढ़ते होंगे वही पंडित होंगे, जो कहते नहीं कि जो करेगा वही पाएगा। तो बेटी भी यही कह रही कि जो पढ़ता लिखता होगा वही पंडित होगा। तो इसी तरीके से बहुत लंबा ये गीत है। तो माड़ों को इस तरीके की धुने जो हैं, सोहर की इस तरीके की धुने चलती हैं और बिहार में अवध में बहुत खास चीजें हैं। तो मैंने थोड़ा सा आपको सुनाया, काफी तो ये लंबा चलता रहता है। तो आप लोग कुछ और चीजें सुनना चाहते हैं तो आप लोग लिखते रहिए। कुछ बनारस की, किसी ने कहा था कि मैं बनारस की कुछ चीज सुनना चाहती हूँ। थैंक यू। कजरी से आपको जोड़ती हूँ। कजरी जो है बनारस में या मिर्जापुर आसपास ही बहुत कजरी गाई जाती है, कजरी से मैं आपको जोड़ती हूँ। बनारस की चीज भी आपको। और ये जो है बनारसी कजरी है, मिर्जापुर कैला गुलजार कचौड़ी गली सून कैला बलमू।
और ये बनारस की खास चीज है क्योंकि इसमें अयले गयले जब शब्द आ जाते हैं तो वो ठेठ बनारसी हो जाता के मिर्जापुर कैला गुले जार हो कचौड़ी गली सुने कैला बले मैंने कहा जी सरला जी आपने कहा जी तो मैं आपको बनारस की चीज सुना रही कि मिर्जापुर कैला कचौड़ी गली भी बनारस में ही है और वहाँ एक जो है बाई रहती थी जो कि गाना गाती थी और उनके एक प्रेमी थे असलम और वो क्रांतिकारी थे तो उसको अंग्रेजों ने जब उनके उनका पीछा किया तो वो फिर मिर्जापुर में छुप के आए और यहाँ से भी उनको रंगून भेज दिया गया था ये कहानी बताया जाता है जी कि मिर्जापुर कैला गुले जार हो कचौड़ी गली सुने कैला बले मिर्जापुर कैला गुले जार हो कचौड़ी गली सुने कैला बले मुँह सुन कैला बले मुँह सुने कैला बले मुँह सुने कैला बल मुँह सुने कैला बले मुँह मिर्जापुर कैला गुले जार हो कचौड़ी गली सुने कैला बले मुँह मिर्जापुर कैला गुले जार हो कचौड़ी गली सुने कैला बले मुँह वही मिर्जापुर वासे उड़ली जहाजिया वही मिर्जापुर वासे उड़ली जहाजिया चली गई ले सीधे रंगून हो कचौड़ी गली सुने कैला बले चले गई ले सीधे रंगून हो कचौड़ी गली सुने कैला बले मिर्जापुर कैला गुले जार हो कचौड़ी गली सुने कैला बले अब वो कह रही है कि पान से भी पतला हमारा शरीर हो गया के पनवा से पातर भैले मोर देहिया पनवा से पातर भैले मोर देहिया अरे अंगिया है अंगिया गए ले लीजे से नून हो कचौड़ी गली सुने कैला बले मुँह अंगिया जले लीजे से नून हो कचौड़ी गली सुन कैला बले मुँह सुन कैला बल मुँह सुन कैला बले मुँह सुन कैला बल मुँह सुन कैला बले मुँह मिर्जापुर गैले गुले जार हो कचौड़ी गली सुन कैला बले मुँह अपनवा लगावत सूरत तोरा दिखनी सूरत तोरा दिखनी सूरत तोरा दिखनी पनवा लगावत सूरत तोरा दिखनी अरे काटे लागल गलेवा में चून हो कचौड़ी गली सुने कैला बले मुँह काटे लागल गलेवा में चून हो कचौड़ी गली सुने कैला बले मुँह मिर्जापुर कैला गुले जार हो कचौड़ी गली सुने कैला बले मुँह कचौड़ी गली सुने कैला बले मुँह तो ये बनारस की खास चीज थी और कजरी कई तरीके की होती है जैसे कि कुछ कजरी मिर्जापुर की होती है अवधि ब्रज की कजरी और बहुत सारी कजरी होती है अब देखिए अब आपको ले चलती हूँ मिर्जापुर में कजरी कैसे गाते हैं ये तो बनारस की चीज हो गई मिर्जापुर चलते हैं एक तो बहुत पॉपुलर है ही है
कि पिया मेहंदी, ये सभी लोग गाते हैं, बहुत लोग आप लोगों ने सुना भी होगा। पिया मेहंदी ले आदा मोती झील से, जाके साइकिल से ना पिया। पिया मेहंदी ले आदा मोती झील से, जाके साइकिल से ना पिया। मेहंदी ले आदा छोटी नंद से पिसादा, छोटी नंद से पिसादा, छोटी नंद से पिसादा। हमरे हथवा में, हमरे हथवा में लगा द कांटा कील से, जाके साइकिल से ना पिया। मेहंदी ले आदा मोती झील से, जाके साइकिल से ना। और हमारे अवध में कई तरीके की कजरियां गाई जाती हैं, एक तो बिरहा कजरी भी गाई जाती है। तो के सजनी श्याम बिना नित तरसे ये नजरिया हमारी, सजनी श्याम बिना नित तरसे ये नजरिया हमारी। पूछे उद्धव से ब्रजनारी, पूछे उद्धव से ब्रजनारी, कब बनवारी है ना सजनी श्याम बिना नित तरसे ये नजरिया हमारी। रोवत रोवत सांझ बिहनवा, कजरा बही बही चाला नयनवा, हो कजरा बही बही चाला नयनवा। कजरा संहारी के अपने नयनवा, अरे दुख में मातल भय बदनवा, के उनके बिना के खुरी है पन घट, उनके बिना के खुरी है पन घट। ये गगरिया हमारी सजनी श्याम बिना नित तरसे ये नजरिया हमारी। ये सब अवधि बिरहा, इसको बोलते हैं बिरहा कजरी। और जी थैंक यू। और एक गीत, एक और भी एक गाया जाता है के हम के, ये कजरियों की ही आपको वैरायटी सुना रही हूँ, कई सारी कजरियों की जो है ये सब धुने चलती हैं। और मिर्जापुर, बनारस, गोरखपुर, अवध, पूरा ये एक तरीके से इतने प्रचलित ये गीत हैं कि सभी लोग गाते हैं, मगर थोड़े थोड़े शब्दों से। जी अवधी कजरी जी अभी मैंने सुनाया, और भी अवधी कजरी आपको सुना सकती हूँ। के हम के जाने दे नहीं हरवा कजरिया बीत जाए, हम के जाने दे ओ नहीं कजरिया बीत जाए, कजरिया बीत जाए हम का जाने दे, हम का जाने दे नहीं हरवा कजरिया बीत जाए, हम का जाने दे नहीं हरवा कजरिया बीत जाए। मंगवा देवरे समका लहंगा गोटेदार चुनरिया, हो गोटेदार चुनरिया, अरे हिरन का मोहे हार मंगा दो, हीरों का मोहे हार मंगा दो, अरे ओ मोरे सांवरिया हमका जाने दे, हमका जाने दे नहीं हरवा कजरिया बीती जाए, हो कजरिया जाए, कजरिया बीत जाए हम का जाने दे। अच्छा देवी गीत अभी सुनाती हूँ आपको, देवी गीत बिल्कुल। शमा जी एक देवी गीत की फरमाइश करें। अब कजरी का दौर चला तो थोड़ा थोड़ा कजरी आप थोड़ी थोड़ी वैरायटी सुन लीजिए। और इसी तरीके से एक चलन कजरी का ये भी है के हम के सावन में, और ये मिर्जापुर में खास ये गायकी है, के हम के सावन में झुलनी गढ़ा द पिया, जिया बहला द पिया ना, हम के सावन में हो
हे हमके सावन में झुलनी गढ़ाई दे पिया, ओ जिया बहलाए दे पिया ना। हमके सावन में झुलनी गढ़ाई दे पिया, जिया बहलाए दे पिया ना। आई सावन के बहार लाग मेलावा बजारे, आई सावन के बहार लाग मेलावा बजारे, हो लाग मिलवा बजार लागे मिलवा बजार, हो हमके संग संग में, हमके संग संग में मिलवा, घुमाए द पिया जिया बहलाए द पिया ना। हमके सावन में झुलनी गढ़ाए द पिया, जिया बहलाए द पिया ना। तो इस तरीके से कजरी अपने यहाँ गाई जाती हैं अवध में, ये सब। थैंक यू। और इसी तरीके से एक अवधि कजरी और भी आपको मैं सुनाती हूँ, जो कि बहुत प्रचलित है, और ये जो है धुन फिल्म में भी ली गई है, फिल्मों में भी ये कजरियाँ बहुत सारी गाई गई हैं, कुछ पिक्चरों में, अभी हमको याद नहीं आ रहा है, मगर आप जब सुनेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये तो सुना है। के झूला तो पड़ गए अम्बवा की डार पे, जी झूला, याद आई ये धुन? बताइए, याद आई ना आप लोगों को? पिक्चर में आया है ना ये सब कजरियों की धुन है। के झूला तो पड़ गए, थोड़ा और स्केल बढ़ा लूं। के झूला तो पड़ गए अम्बवा की डार पे, जी झूला तो पड़ गए अम्बवा की डार पे जी। अभी सुनाती हूँ, झूला पड़ा मणि पर्वत के, झूला पड़ा मणि पर्वत पर, हम सके झूले जावे ना। झूला पड़ा मणि पर्वत पर, हम सके झूले जावे ना, हम सके झूले जावे ना, के हम सके झूले जावे ना। के झूला पड़ा मणि पर्वत पर, हम सके झूले जावे ना। इस तरीके से शायद कुछ धुन इधर उधर हो रही है। तो मैं आपको कजरी सुना रही थी, अवधि कजरी जो चल रही थी, अवधि थोड़ा थोड़ा मैं दिखा रही हूँ, उसका एक रूप दिखा रही हूँ, उसका एक डिजाइन खड़ा कर रही हूँ कि कैसे कैसे कजरियों के ये सब भाव गाए जाते थे, धुने गाई जाती थी। के झूला तो पड़ गए अम्बवा की डार पे जी, ए जी कोई राधा को गोपाला, कोई राधा को झूला में झूला कौन झूला, तो पड़ गए अम्बवा की डार पे जी झूला तो। ये अपनी अवध की ही कजरियां हैं। के झूला तो पड़ गए अम्बवा की डार पे जी, ए जी कोई राधा को गोपाला, कोई राधा को झूला में झूला कौन झूला, तो पड़ गए अम्बवा की डार पे जी। अरे धीरज धर ले मन समझाए ले री, धीरज धर ले मन समझाए लोरी, ए जी अगले सावन में राधा जी, अगले सावन में झूलेंगे कान्हा साथ झूला, तो पड़ गए अम्बवा की डार पे जी झूला तो पड़ गए अम्बवा की डार पे जी। इस तरीके से कजरियों की कई धुने हैं, और कजरी चौलर कजरी, मतलब कजरी पे ही अगर रिसर्च किया जाए तो बहुत बड़ा ये एक साहित्य है, और ये पूरा संसार है। और इसी तरीके से अपने ब्रिज में मैं थोड़ा थोड़ा सुना रही हूँ, उसके बाद मैं टॉपिक चेंज कर दूंगी, फिर आप लोगों के जो भी कुछ फरमाइशें होंगी वे मैं सुनाऊंगी। और ब्रिज में कैसे गाते हैं, ब्रिज का थोड़ा सा आपको नमूना दिखाना चाहती हूँ, कजरी वहाँ पे भी कैसे गाते हैं। के अरी बहना, थोड़ा सा नीचे कर लूं स्केल, सभी की स्केल बदल जाती, धुन बदल जाती है।
के अरी बहना अखियां है प्यासी प्यासी मनवा में पूरन मासी अब तक ना आयो मोरो साज नारी बहना अखियां है प्यासी प्यासी मनवा में पूरन मासी अब तक ना आयो मोरो साजना मो देखो श्याम घटा घिर आई मो पे बिजरी है गिराई हिचकी रह रह के आई सजनी अब तक ना आए मोरे साजनारी बहना अखियां है प्यासी प्यासी अरे मनवा है पूरन मासी अब तक ना आए मोरे साजना सावन में बिछड़ो सांवरिया दे गयो ऐसो पीड़ा सावन में बिछड़ो सांवरिया दे गयो ऐसो पीड़ा अरे बूंदन की धुन गाय रही मलहार हमारो नेहा बूंदन की धुन गाय रहो मलहार हमारो नेहा कुहू कुहू मत बोल कोयलिया कुहू कुहू मत बोल कोयलिया अरे सुन सुन झुलसे नैना अरे बहना सुना है घरे अरे आंगन भीगे हैं दोनों नैना अब तक ना आए मोरे साजनारी बहना अखियां है प्यासी प्यासी मनवा है पूरन मासी अब तक ना आए मोरे साजना तो इस तरह की कजरी अनगिनत कजरी होती हैं और भी अभी तो मतलब एक थोड़ा सा मैंने एक कोना छुआ है तो अभी आप कुछ और सुनना चाहते हैं शमा जी की एक फरमाइश थी देवी गीत की तो मैं देवी गीत आपको सुनाती हूँ अरे उड़े जाओ चिरैया गंगा पार मनाए लाओ देविन का उड़े जाओ चिरैया गंगा पार मनाए लाओ देविन का मनाए लाओ देविन का मनाए लाओ देविन का उड़े जाओ चिरैया गंगा पार मनाए लाओ देविन का उड़े जाओ चिरैया गंगा पार मनाए लाओ देविन का अरे सोने के थारी में जीवन परोसो सोने की थारी में जीवन परोसो उड़े जाओ अरे उड़े जाओ चिरैया गंगा पार जीवाया ओ देविन का उड़े जाओ चिरैया गंगा पार जीवाया ओ देविन का जीवाया ओ देविन का जीवाया ओ देविन का उड़े जाओ चिरैया गंगा पार जीवाया ओ देविन का इस तरीके से देवी के गीत गाए जाते हैं अभी आप क्या सुनना पसंद करेंगे अब आप लोग कुछ बात कर लिया जाए कुछ बातें की जाए बताइए आप लोगों को किस तरीके का संगीत पसंद है क्या मैं सुनाऊं आप लोगों को और संस्कार गीत या और कुछ गीत लोक विधाओं में आप लोग क्या पसंद करेंगे मैं कहां से हूं मैं प्रयागराज से हूं सरला जी प्रयागराज से हूं मैं लोक गायिका मंजू नारायण आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए क्या सुनना चाहते हैं पचरा सुनाइए जी ठीक है हाँ अपनी प्रतिक्रिया आप लोग देते रहिए तो मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी जब बच्चे पैदा होते हैं नीतू शुक्ला जी सोहर बोलते हैं उसको आप लोग तो ऐसे मत करिए जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसको सोहर बोलते हैं जी बिल्कुल सब सुनाती हूँ बस आप लोग हमको थोड़ा थोड़ा बस गाइड करते रहिएगा कि क्या क्या मुझे सुनाना है तो मैं अभी पचरा
दीपक जी, अयोध्या जी, अयोध्या वाले दीपक जी की फरमाइश है, पचरा मैं उनको सुनाऊं, तो मैं पचरा सुना दूं। थैंक यू क्षमा जी, थैंक यू। बच्चे पैदा होते हैं तो जो गीत गाया जाता है कृष्णा वाला जी, ठीक है कृष्णा वाला सुनाते हैं। पचरा एक सुन लीजिए, आज जाने की जिद ना करो। अच्छा शोभा, बिल्कुल सुनाती हूँ। शोभा यादव जी कह रही है कि एक गजल सुना दीजिए, आज जाने की जिद ना करो। जाते जाते सुना दूंगी, बैठे जुड़े रहिए, सुना देंगे तो आप चली जाएंगे। देवी का पचरा जो है वो देवी गीत ही होता है, जिसको कि पचरा भी बोलते हैं, तो वो मैं सुनाने जा रही हूँ, दीपक जी की फरमाइश है। डार पे झूला झूल रही हैं, तो कितना सुंदर भाव है कि निमिया की डारी मैया झूले ली झूलनवा के झूली झूली ना, निमिया की डारी मैया झूले ली झूलनवा के झूली झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया के झूली झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया के झूली झूलना, के निमिया के डारी मैया झूले ली झूलनवा के झूली झूलना, मैया मोरी गावेली गीतिया के झूली झूलना, मैया मोरी गावेली गीतिया के झूली झूलना, और झूलते झूलते मैया के लग मलहोरिया के घरवा में चले भैलीना, मलहोरिया के घरवा चले भैलीना। माँ को प्यास लगी है तो मालिन के घर जाती, सूतले बाड़ू है कि जागली मालिनिया के बूंदरिये के ना, के बूंदरिये के ना, मोही के पानिया पिलाते के बूंदरिये के ना, मोही के पानिया जी, मोही के पानिया पिलाते के बूंदरिये के ना। अब मालिन कह रही है कैसे है के पानिया, कैसे के पानिया पियाऊं शीतल मैया के गोदिया ना, के गोदिया ना, मोरा बालक नदान मैया मोरी गोदिया, मोरा बालक नदान मैया मोरी गोदिया, अरे बालक सुताओ मलिनी सोने के खटोलेवा के बुने के ना, के बुने के ना, मोही के पानिया पियाए दा के बुंदरिये के ना, पानी पिलाती है। इतना इंटरेस्ट मुझे इन सब गीतों में कभी नहीं आया जितना आपको सुनने में। अरे क्या बात है नीलू शुक्ला जी, आपने तो मेरा भी दिन बना दिया। थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत अच्छे से बहुत चीजें आपको इतना इंटरेस्ट जगा दूंगी, थैंक यू। तो अभी आपको मैं सोहर भी सुनाऊंगी। नीतू शुक्ला जी आप जो है, सॉरी नीतू शुक्ला जी आप जुड़े रहिएगा, मैं आपको अच्छी अच्छी गीत सुनाऊंगी। तो बहुत मालिन जब पानी पिलाती है तो देवी बड़ा खुश हो जाती है और बहुत आशीर्वाद देती है, जैसे कि मालिन मोहे जुड़े बोले के वैसन वैसन ना, हे के वैसन वैसन
तो हर धिया वाजुड़ा से मालिन वैसन वैसन ना तो हर बहु वर जुड़ा से मैया वैसन वैसन ना तो हर धिया वाजुड़ा से मालिन वैसन वैसन ना मालिन वैसन वैसन ना। अरे ऐसा मत कहिए भाई, क्या बैरागी या वर्जी। थैंक यू, आप लोग तो है जो क्या इतना कलाकार का कला कितना सम्मान दे देते हैं कि, और जो कुछ है ये सब आप लोगों का और ईश्वर का दिया है, और कलाकार की अपनी मेहनत तो होती है, अगर मेहनत नहीं होगी तो नई नई चीजें वो आपको नहीं सुना सकता है। तो करने की तो विद्या है ही, मगर करने की विद्या सफल भी तभी होती है जब आप जैसे लोग श्रुति श्रोतागण जुड़ते हैं। अच्छा, नीतू शुक्ला जी कह रही गांव जब जाते हैं तब जानकारी नहीं होती। अच्छा हाँ, अब आप सुनिएगा, बहुत इंटरेस्ट अच्छे गीत होते हैं, बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं गांव में मेरा बचपन बीता है इसलिए मुझे खास प्यार है। तो आप नीतू शुक्ला जी कह रही थी एक जो है मैं कृष्ण का सोहर सुनाऊं जब बच्चा पैदा होता है, तो मैं जब कृष्ण पैदा हुए 6 दिन के कृष्ण हुए तो उनका मैं सोहर आपको सुनाती हूँ। और सोहर की भी बहुत सारी धुने हैं, मगर एक धुन मैं आपको लेके चलती हूँ। वैसे तो बहुत सारी धुने हैं, अगर धुन सोहर को लेके चलेंगे तो वो भी एक काफी एक समय लेगा वो, और इतने कम समय में तो नहीं हो पाएगा। के मोरा पीछे वरेवा कह रहे कि मेरे पीछे घर के पीछे एक चंदन का पेड़ है, मोरे पीछे वरवा चंदन का गच्छिया माने पेड़ बोलते हैं। मोरा पीछे वरेवा चंदन गाछे अवेरो चंदन गाछे अवेरो से चंदन हो रामा सुगड़े बढ़िया मारे छे नर ललन जी के पालन ललन जी के पालन हो। अरे बाबा झूला रही हैं, और जो बढ़ई है उसने चंदन के पेड़ का झूला बनाया है, और उनके जो बाबा हैं उनके जो पिता हैं उनको जो है नंद बाबा, उनके लिए उन्होंने पैर के खड़ाऊ बनाया है। जैसे पहले लकड़ी के खड़ाऊ चलते थे ना, अभी आप लोगों ने रामायण में भी देखा होगा भरत जी खड़ाऊ लकड़ी की जो है खड़ाऊ लेकर लकड़ी की चप्पलें लेकर जो उसमें रखते हैं सिंहासन पर और उनके नाम पे वो राज करते हैं, तो ये खड़ाऊ उसकी बात हो रही। तो जसोदा जी झूला रही हैं, झूलाते झूलाते कह रही हैं कि अब आप अपने से झूलिए, छोटा बच्चा है 6 दिन का भी नहीं हुआ है। तो जसोदा जी कह रही हैं थोड़ा सा अपने से झूल लो और मैं अभी पानी लेने जा रही हूँ, जमुना के तट पानी लेने जाती है। झूला हो लाले अबे झूला हो अवेरो से झूला हो अवेरो से जमुना से जल भर लावा था झूलेवा झूलावा था झूलेवा झूलावा हो। और जमुना तट पहुँचो ना पवली घड़ा भर ना पवली घड़ा भर ना पवली हो रामा पीछे उलट जब मैं चितवाऊं महले मुरली बाजे महले मुरली बाजे। 6 दिन के थे और उसके बाद मुरली बजाने लगे, वो तो अवतार थे भगवान थे तो उनके लिए क्या है 6 दिन क्यों चाहे 2 दिन क्यों, तो बंशी बजाने लगते हैं। तो जसोदा बड़ी परेशान हो जाती है और अपनी सखियों से कहती है राने जराने पड़ोसन मोरी
छवे दिने के हवे ता महले मुरली बाजे, महले मुरली बाजे हो। जसोदा कह रही कि अभी 6 दिन के हो रहे हैं और देखिए महल में मुरली बज रही है, तो उनकी जो सखियां कहती हैं कि चुप रहो जसु माते, चुप रहो दुश्मन जन सुने, दुश्मन जन सुनी है राम आई है ता कंस के मरी है ता गोकुला बसई है ता गोकुला बसई है रे, राम आई है ता कंस के मरी है ता गोकुला बसई है ता गोकुला बसई है। सिंह सवरिया गर सवरिया गर्जन आवे सिंघा मैया हो सवरिया ला, लोगवा ना इनकार अहम न जाने हो वा लोगवाना। क्षमा जी ये गीत मुझको नहीं आता है, गीतों का भी इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा समुद्र है, कितना भी कोशिश करती हूँ सारे गीत सीख लूं मगर नहीं सीख पाती हूँ। ये गीत मैं अगले दिन आपको सीख के सुनाऊंगी। तो बहुत बहुत नीतू शुक्ला जी आपको अब पसंद आया होगा शायद, मैं ऐसी कल्पना ऐसा उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि शायद आपको गांव की मिट्टी की चीज़ें पसंद आई हों। और बताएं आप लोग अभी आप, मैं फिर आपको सोचती हूँ कि मैं ब्याह संस्कार से फिर आपको ले चलती हूँ। तो ब्याह संस्कार में कुछ गारी होती थी और ये सारे गीत भी जब गढ़े गए तो राम को ही उन्होंने जो है अपना एक आइडल, अपना आदर्श माना, और जो रामचरितमानस में लिखा गया है और जो रामायण में लिखा गया है उनके बल पर ही वो जितने संस्कार होते थे तो उसके ही बल पर वो गारी रची गई और सोहर रचे गए, बहुत सारी चीजें रची गई उसकी वाचक प्रक्रिया के द्वारा। मतलब हजारों साल पुराने ये गीत हैं, जिंदा हैं। उस समय दादी माई वो सब पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो सुन के और एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती रहती थी, तो वो सारे गीत ये बचे हुए हैं। चैती, हाँ चैती आपको सुना सकती हूँ जी, जी चैती आपको सुनाती हूँ। पहचान होती है जिसमें रामा शब्द आ जाए तो कहते हैं उसको चैती बोलते हैं, तो मैं चैती आपको सुनाती हूँ। कोठवा में ढूंढ ली अटरिया
हो रामा, कहावा में ढूंढू ढूंढे आई सैया के सजरिया हो रामा, कहावा में ढूंढू यही ठैया मोतिया है राय गईले रामा, कहावा में ढूंढू यही ठैया। सास से पूछ ली, सास से पूछ ली ननदिया से पूछ ली, सास से पूछ आई ननदिया से पूछ ली, सास से पूछ देवरा से पूछा तेला जाए गईले रामा, कहावा में ढूंढू देवरा से पूछा तेला जाए गईले रामा, कहावा में ढूंढू यही ठैया मोतिया हेराए गईले रामा, चैत में गाया जाता है फागुन के बाद, चैत भी होता है और बिहार में इसको चैता बोलते हैं, घाटो बोलते हैं, इस तरीके से होता है। धन्यवाद आपको बैरागी यावर जी और क्षमा जी, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ आपको। और अभी आप शोभा यादव जो हैं वो गजल की फरमाइश कर रही थी, और आप लोग अगर फोक में कुछ और भी कुछ सुनना चाहते हैं तो बताएं, नहीं तो मैं गजल एक सुना दूं अपनी, एक मेरी बहन है शोभा यादव गजल सुना चाहती। अब कुछ चीजें मैं अपनी भी सुनाती हूँ जो कि मैंने रिकॉर्ड करी है, यूट्यूब में भी पढ़ी है, तो वो चीजें। थैंक यू, थैंक यू। ऐसी बातें
जिद ना करो, वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद थी। गजल मेरी बहन की फरमाइश थी, ये शोभा यादव जी जुड़ी थी। अभी लाइट चली गई, तानपुरा का ये स्विच चेंज करूं। ठुमरी जो है की फरमाइश आई थी, ठुमरी मैं सुनाती हूँ आपको। कमाज की ठुमरी आपको सुना रही हूँ।
फरमाइश बची होगी, गजल ठुमरी दादरा ही रह गया था। बहुत सारी मैंने आपको विधाएं सुनाई, कुछ मेरे अपने गीत थे वो मैं नहीं सुना पाई, समय हो गया है। अब आप लोगों से मैं विदा चाहती हूँ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस पेज से जुड़े रहे। फुर्सत एक पेज बहुत अच्छा है, एक प्रयास है, मैं देखती हूँ उसको, मैं फॉलो भी करती हूँ। अवध की बहुत सारी बात कही और अपनी परंपरा और साहित्य दर्शन ये सबको लेकर चल रहा है। मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि इस पेज से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपना ज्ञान जो है वर्धन करें, बढ़ाएं। चलिए नमस्कार दीपक जी आपको। मैम गारी सुनाई अभी गारी अच्छा अभी फरमाइशें बाकी रह गई थी, कौन सी गारी सुनेंगे? गारियों का तो भंडार है, एक के बाद एक, मतलब क्या सुनाऊं, एक सुन लीजिए बताइए कौन सी। के बने दूल्हा छवि जी शुक्रिया। के बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। ये बुंदेलखंड की धुन है। के बने दूल्हा छवि देखो भगवान।
सुंदर गुलावद बिहारी सुंदर दुल्हन जनक दुलारी सुंदर दुलावद बिहारी सुंदर दुल्हन जनक दुलारी और जाऊं तन मन से बलिहारी मनसा पूरण करो सबकी अरमान की दुल्हन बनी सिया जान की बने दूल्हा छवि देखो भगवान की दुल्हन बनी सिया जान की दुल्हन बनी सिया जान की। ये अवधि गारी नीतू शर्मा जी, मैं अपना कुछ सुनाऊं। मेरी एक बहुत अच्छी चीज है, मुझे बहुत पसंद है, मेरा यूट्यूब में भी वो गीत काफी लोगों ने पसंद किया है, लोकगीत है बुंदेलखंडी। दोपहरिया मैं मोरो गोरो बदने को मैं लायरी दोपहरिया मैं मोरो गोरो बदने को मैं लायरी गोरो बदने मोरो गोरो बदने मोरो गोरो बदने को मैं लायरी दोपहरिया दुपहरिया मैं मोरो गोरो बदने को मैं लायरी दुपहरिया मैं मोरो गोरो बदने को मैं लायरी के सास तोरो लड़का मुसे रोटी बनवावे आधी रात के सास तोरो लड़का मुसे रोटी बनवावे आधी रात के सास तोरो लड़का जिठानी तोरो दियोरा के नंद तोरो भैया वो मोरो लगे सियारी हाँ ऐसे गम खा गई नहीं तो देती मैं बिलना दो चार दुपहरिया मैं मोरो गोरो बदने को मलायरी दुपहरिया मैं मोरो गोरो बदने को मलायरी गोरो बदने मोरो गोरो बदने मोरो गोरो बदने को मलायरी दुपहरिया मैं मोरो गोरो बदने को मलायरी। तो मेरे ये गीत है और बहुत सारे गीत हैं, सैया लई दे कर धनिया भी है। तो अभी मैं एक अवधि गारी की फरमाइश दीपक जी कर रहे हैं, मैं उनको सुना, उनको ये गारी बहुत पसंद है और मेरे लाइव जितने भी सेशन होते हैं उसमें दीपक जी ये जरूर फरमाइश करते हैं। और आपकी अगर शादी हो गई है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुई हो तो आपकी शादी में ये गीत जरूर मैं गाना चाहूंगी। अरे हथिया हथिया सोर कैला गद हो नाही लौले हो, थोड़ा सा स्किल बढ़ा लूं। के हथिया हथिया सोर कैलो गद हो नाही लौले हो कोरी बहन का सोटा मारू अरे नौवा सौले हो तोरी बहन का सोटा मा हथिया हथिया सोर कैलो गद हो नाही लौले हो तोरी बहन के सोटा मारू तोरी बहन के सोटा मारू नौवा सौले हो तोरी बहन के करार कैले बनरसी साड़ी और लुगरी औले हो करार कैला बनरसी साड़ी लुगरी लेके औले हो और तोरी बहनिया
गोरी बहनिया गदहा ले जाए, अरे नवा हसौले हो तोरी बहने के गदहा ले जाए, नवा हसौले हो हतिया हतिया सोर कैले गदहो नाही लौले तोरी बहन का अमार साले परतियन का पंडित हसौले हो अमार साले बरतियन। अरे हम तो मंगनी छैल छबीला और बुढ़ा लेके अवने हो हम तो मंगनी, हमने बोला था छैल छबीला लेके आना बारात में, मगर तुम लोग बुढ़े बुढ़े लाए हो तो गाली खाओगे नहीं। हम तो मंगनी भाई, बूढ़े लोग हमको क्षमा करेंगे हम तो मंगनी छैल छबीला अब बुढ़वा काहे लौले हो हमारे साले बरथियन का जनक हसौले हो मार साले बरतियन का नवा हसौले हो मार साले। और हम तो मंगनी धोती कुर्ता और सूट वाला लौले हो, हमने कहा था भाई धोती कुर्ता पहन के आना, नया फैशन हो गया है वो जो बंगाली धोती चलती है ना पुरुषों की, और कुर्ता जो है पूरा आजकल चल गया है वो कौन सा कॉलर वाला और कौन बंद गले का चला है और शेरवानी स्टाइल का, तो वो बड़ा नाराज है कि हम तो मंगनी धोती कुर्ता सूट वालन ले ले हो हमार साले बरथियन के जनकपुर हसौले हो मार साले बरथियन के जनकपुर हसौले हो। और समधी अपने बहिनी के साड़ी के धोती पहिर के औले हो, और समधी भी गाली खा रहा है कि जो तुम धोती पहन के आए वो अपनी बहन का तुमने मांग के धोती बना ली है, के समधी अपनी बहन के धोती बनौले हो, अरे मार तोरी बहन के सोटा मारू नवा हसौले हो, तोरी बहन के सोटा मारू नवा हसौले हो। इसी तरीके से गारी गाई जाती हैं, कुछ भी बनाते रहिए आप। हाँ दो लाइन दुल्हन की गारी अब वैसे गाने मुझे भी बहुत मजा आता है, दुल्हन की गारी और इस तरह की गगारी बचपन में इतना सब सुने हैं, तो अगर आप लोग सुनना पसंद करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती क्योंकि बचपन में मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई। निकाल लूं जरा के कार चढ़ के आई लो घर घरत घूमत रहलू, कार चढ़ के आईलू घर घर घूमत रहलू, उतारे चलो दुल्हन अब काहे चोना कैलू, उतारे चलो दुल्हन। दुल्हन जो नई आई है और गाड़ी से या पालकी से जैसे उतरती है तो एक रस्म होती है परात में आलता दिन भर गाते रहते, क्या बात है दीपक चौरसिया जी, धन हो महाराज, हम ही पागल नहीं, हमारे जैसे आप लोग भी हैं। तो परात में आलता घोला जाता है और फिर दुल्हन उस पे पैर रखती है, पैर बारी बारी से दोनों पैर रख के फिर धीरे धीरे चलती है, तो जब पैर गीले रहेंगे आलता लगा रहेगा तो फिसलने का डर रहेगा कि नहीं, तो दुल्हन ऑटोमेटिक धीरे चलेगी, मगर वहाँ की जो है स्त्रियाँ महिलाएं गारी देना शुरू कर देती हैं कि कार चढ़कर आई लू और घर घर घूमत रह लू और यहाँ बड़ा नाटक कर रही चोना कर रही, मतलब तुम बहुत चुंधर रही हो, बहुत चुंधरा रही हो और बहुत मतलब एक नाटक कर रही हो कि बहुत तुम जो है नाजुक सी हो चल नहीं पा रही, इस तरीके से एक छेड़छाड़ वाला गीत है। के कार चढ़ के आईलो दुल्हन घर घर घूमते रहलू, उतारे चलो दुल्हन अब काहे चोना कैलू, उतारे चलो दुल्हन अब काहे चोना कैलू, उतारे चलो दुल्हन अब काहे चोना कैलू, उतारे चलो दुल्हन। अब बने बने जंगल जंगल बकरी चरौले, बने बने जंगल जंगल बकरी चरौले, उतर चले कनिया, दुल्हन को कनिया भी बोलते हैं, उतर चलो कनिया
अब काहे चोना कैलू हो उतर चले कनिया, अब काहे चोना कली कैलू उतर चले दुलहिन। और जंगल जंगल माल, अब आजकल मॉल हो गया तो मॉल को भी लेके वो लोग गाली देती, मॉल मॉल घूमत रहलू और कार चढ़ कर अलू हो, मॉल मॉल घूमत रहलू और कार चढ़ के पलकी चढ़ कर अलू हो उतर आवो दुल्हिन, अब काहे चोना कैलू हो उतर आवो दुल्हिन, अब का चोना कैलू हो उतर आवो दुल्हन। और दूल्हा को भी गाली दी जाती है, ऐसा आप दीपक जी खुश मत होइए, आप जब शादी करने जाएंगे और जो भी भाई लोग जो हैं शादी करने जाएंगे तो उनको दूल्हा को भी बहुत अच्छी गाली मिलेगी। कैसे? अब इतनी सारी धुने थोड़ी थोड़ी चेंज होके आ रही हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाती हूँ, गाती हूँ अभी, कोशिश करती हूँ। अरे सूप के फटकारल हो और चलनी के चालल दूला, सूप के फटकारल हो निंदिया के मातल दुल्हा, पल को ना खोलस हो निंदियो के मातल दुल्हा, पल को ना खोलस हो अरे चलने के चालल दुल्हा, सूप के फटकारल हो निंदिया के मातल दुल्हा, पल को ना खोलस हो निंदिया के मातल दुल्हा, पल को ना खोलस हो। और लोढ़ा जब परीक्षा जा रहा है तो सास को सब लोग गाली देती हैं और दूल्हा को भी लपेट में गाली दे रही। सासू जी के आखियों में लगल मधुमक्खिया हो, सासू जी के आखियों में लगल मधुमक्खिया हो, और देखो ना पवेली दामाद बहुरवा हो, देखो ना पवेली दामाद अले बेलवा हो, देखो ना पवे पावेली दामाद अले बेलवा हो। अरे दुल्हा तो लागा तानी कुछ दिन के जागल हो, दुल्हा तो लागा तानी कुछ दिन के जागल हो, मुहवा बकलोल लागे मुहवा बकलोल लागे, कहवा से भागल हो मुहवा बकलोल लागे, कहवा से भागल हो मुहवा बकलोल लागे। तो आप ये मत सोचिएगा कि दुल्हन को ही गाली पड़ती है, दूल्हा को, समधी को, बसुर को, सभी को गाली पड़ती है। तो ये थी मनभावन गारी, इन गारी का बुरा न मानो गारी अधिक प्यारी। और अभी तो आज मैं यहाँ मिर्जापुर की कजरी सुन रही थी, वो तो और भी माशाल्लाह है, मतलब ऐसी ऐसी कजरी हैं, अलग अलग धुने। मैं तो यही से रिसर्च करती हूँ कैसी धुने, कैसा उनका चलन, कैसा उनका साहित्य, कैसा उनका श्रृंगार। तो मैं फिर अब जब भी कभी जुड़ूंगी तो आपको मिर्जापुर में या जो अपने और आसपास गांव में ठेठ गांव में कैसी कैसी गारियाँ गाई जाती हैं वो मैं आपको सुनाऊंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, टेक केयर।